दोस्तों भारत ने सुपर ओवर में जीत लिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला और सीरीज को 2-1 से कर लिया अपने नाम। आप भी देखना चाहते हैं सुपर ओवर का पूरा रोमांच तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत किया बल्लेबाजी का फैसला। दोस्तों भारतीय टीम ने कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के शानदार तूफानी शतक की बदौलत 50 ओवर में ठोक डाले 330 रन। रोहित शर्मा ने 105 तो वहीं विराट कोहली ने खेली 125 रनों की पारी। दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से प्रेमवर्य सरपट ने झटके सर्वाधिक 4 विकेट। 331 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम ने भी शानदार शुरुआत करी और कप्तान साई ओप और काइल मेयर्स के शानदार शतक की बदौलत 50 ओवर में ठोक डाले वेस्ट इंडीज ने भी 330 रन। और इस तरह भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला चला गया सुपर ओवर में। दोस्तों सुपर ओवर में भारत की तरफ से बैटिंग करने उतरे सूर्य कुमार यादव तो वेस्ट इंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने आए रोमेरियो शेफर्ड। दोस्तों रोमेरियो शेफर्ड के 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने ठोक डाले 43 रन, एक गेंद 9 बॉल थी। सुपर ओवर में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मात्र 20 रन ही बना सके और इस तरह भारत ने 23 रनों से जीत लिया तीसरा और निर्णायक मुकाबला।